Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Sariyar and now we are going to get discuss about the force on current carrying conductor. Any धारावाही चालक पर चुंबकीय बल क्या होगा इसके बारे में. तो धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल तो ऐसे कोई धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है और इस पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से VD वेग से गतिशील होते हैं. ये हैं इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है. ऐसा कोई चालक है तो हमें मानते हैं कि ये कोई चालक है जिसकी लंबाई L है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है. ये समान चुंबकीय क्षेत्र है और इससे ये थीटा कोण पर रखा हुआ है और इस पर ये इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गतिमान. तो ये इसकी भाषा हो जाएगी कि माना कोई चालक तार जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखा हुआ है तथा इस पर इलेक्ट्रॉन जिस पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है अनुगमन वेग या औसत वेग Vd से गतिमान. तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा, चेक करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन पर बल ये होगा F equals to qVd sin theta का यूज करेंगे तो q का मान e है, v का मान Vd, v sin theta का ये होगा एक इलेक्ट्रॉन पर बल क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश q का मान इससे किया हमने F equals to qVb sin theta से. तो एक इलेक्ट्रॉन पर है इसलिए हमने F डैश मान लिया है, q का मान e है, v का मान Vd है, v sin theta सिमिलर पर पूरे आयतन पर इलेक्ट्रॉन तो इसका क्षेत्रफल जो है एरिया ए है तो पूरे आयतन पर इलेक्ट्रॉन एन ए एल हो जाएगा. तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल है तो पूरे इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल होगा, वही इस धारावाही चालक पर नेट चुंबकीय बल होगा. तो अतः संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर बल ये हो जाएगा F equals to F dash into NAL. तो F equals to EVD V sin theta NAL. तो ये आ जाएगा NAEVD एक जगह लिख दीजिए VL sin theta और ये हो जाएगा धारा I के बराबर. ये हमने पीछे धारा वैद्युत की में हमने पढ़ा था धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर N A E V D. तो ये हो जाएगा धारावाही चालक तार पर बल यानी चुंबकीय बल. माना कोई धारावाही चालक तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखा हुआ है जिस पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश स्मॉल e है अनुगमन वेग Vd से गतिमान है. अतः एक इलेक्ट्रॉन पर बल तो F equals to qVb sin theta से F dash equals to EVd V sin theta. लेकिन पूरे आयतन पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, N into AL क्षेत्रफल into लंबाई आयतन होता है तो आयतन से हमने गुणा कर दिया. तो पूरे आयतन पर इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर जब इतना बल है तो पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल होगा, तो पूरे इलेक्ट्रॉनों से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा NAEVD एक जगह रखा इसका मान I होता है तो ये आ जाएगा धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल. अब हम इलेक्ट्रॉन का पथ ज्ञात करते हैं. एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा,
माना ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन है प्रवेश करता है तो ये कैसा पथ होता है हमें पता है, वृत्ताकार, और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन होगा, इसका पथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर, तो माना कोई आवेशित कण स्मॉल ई, आवेश या इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश स्मॉल ई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करता है, तो ये इस प्रकार से, तो इस पर अधिकतम बल जो होगा वो चुंबकीय बल एफ एम या एफ बी लिख सकते हैं। ये वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ पर कौन सा बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, तो एफ सी से संतुलित रहेगा। तो एफ सी क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ बी क्या होगा, क्यू वी बी, ठीक है ना। या मान लेते हैं कि ये आवेशित कण जिसका आवेश क्यू है, तो ये आ जाएगा, तो बी से वी कैंसिल, एम वी इक्वल टू आर क्यू बी, तो आर का मान आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू। अब इसमें एक चक्कर में पूरा समय कितना लगा, तो समय हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, तो 2 पाई अपॉन v mv अपॉन q, तो ये आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb, ये समय आएगा। या आपको आवृत्ति निकालनी है तो 1 अपॉन t हो जाएगा, यानी qb अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर हम एक अहम चीज और डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुछ वेग से गतिमान होता है, तो हमने ये देखा था कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरीके से ये हेलिकल पाथ बना रहा था, वर्तुल पथ, ठीक है ना, इस तरीके से चल रहा था ये आवेशित कण। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो वेग था वो समांतर घटक था v cos थीटा। तो चूड़ी अंतराल क्या होती है, चूड़ी अंतराल ये एक दूरी है, क्या है, लंबाई है, और वो कौन सी लंबाई है, तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक घूर्णन में, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पिच, एक घूर्णन में चली गई लंबाई चूड़ी अंतराल कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण द्वारा एक घूर्णन में चली गई लंबाई, चली गई दूरी चूड़ी अंतराल या पिच बोलते हैं। तो P इक्वल टू, देखिएगा इस दिशा में चली गई लंबाई या दूरी ये P है, इस दिशा में वेग क्या है, V समांतर है, और समय T, ओके, तो दूरी बराबर चाल इनटू समय, तो ये है V cos थीटा इनटू T, आप ये लिख सकते हैं, या आप T का मान भी रख सकते हैं, हमने पीछे निकाला 2 पाई r कोण। तो इस तरीके से आप इस चूड़ी अंतराल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये वर्तुल गति करता है, ओके। तो चूड़ी अंतराल क्या होती है कि कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक घूर्णन में जितनी दूरी तय करता है, चलता है, वो चूड़ी अंतराल अर्थात पिच होती है। और ये इस दिशा में निकालना है तो इस दिशा में वेग यूज होगा और समय यूज होगा, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो ये इस प्रकार से हम चूड़ी अंतराल भी ज्ञात कर सकते हैं।